दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा धवर। विपक्ष की दूसरी बैठक होने जा रही है, महाबैठक होने जा रही है, वो भी बेंगलुरु में। लेकिन क्या इस बैठक में आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल शामिल होंगे? सियासी हलचल तेज हो चुकी है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लेकर, क्योंकि कांग्रेस की ओर से इनवाइट भेजा गया है आम आदमी पार्टी को शामिल होने के लिए विपक्ष की महाबैठक में। तो क्या जवाब है आम आदमी पार्टी का? क्या अरविंद केजरीवाल विपक्ष की दूसरी बड़ी बैठक में शामिल होंगे? देखिए, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है और इस सस्पेंस के बरकरार होने की वजह है एक और सस्पेंस जो कि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक बरकरार रखा हुआ है अध्यादेश को लेकर। अभी भी मामला जो है अध्यादेश पर अटका हुआ है। कांग्रेस की तरफ से आम आदमी पार्टी को इनवाइट भेजा गया कि आप विपक्ष की दूसरी बैठक जो बैंगलोर में होगी 17 और 18 जुलाई को, उसमें आप शामिल होइए। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा का स्टेटमेंट आया है और राघव चड्ढा ने अपनी स्टेटमेंट में साफ कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने कहा था जो 23 जून को पटना में बैठक हुई थी कि जब मॉनसून सत्र शुरू होगा उससे तकरीबन 15 दिन पहले वो अपना स्टैंड क्लियर कर देंगे सार्वजनिक तौर पर। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है और एक बार कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करे तो फिर आगे क्या फैसला होना है, आम आदमी पार्टी विपक्ष की बैठक में शामिल होगी नहीं होगी, इस पर चर्चा की जाएगी। क्या है राघव चड्ढा का कहना, सुन लीजिए उन्हीं की जुबानी। देखिए, कांग्रेस ने निमंत्रण भेजा है और उस पर बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पटना की जो बैठक हुई थी जिसमें तमाम साथी राजनीतिक दल मौजूद थे, उस बैठक में कांग्रेस ने सबके सामने इस बात को रखा था कि संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले, उससे 15 दिन पहले वे दिल्ली सरकार के खिलाफ, भारत के संविधान के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ जो एक काला अध्यादेश लाया गया है उसके विरोध में अपना स्टैंड क्लियर करेंगे, उसका विरोध सार्वजनिक तौर पर दर्ज करेंगे और जब सदन शुरू होगा तो उसके भीतर मतदान के माध्यम से भी उस अध्यादेश का विरोध करेंगे। तो कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा था कि वे सदन शुरू होने से 15 दिन पहले लगभग इस बात की औपचारिक तौर पर घोषणा करेंगे, लेकिन अभी तक वो औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द वो घोषणा होगी और तमाम चीजों का फैसला उसी के बाद लिया जा सकता है। तो राघव चड्ढा का स्टेटमेंट अभी आपने सुना और उन्होंने कहा कि जो 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में विपक्ष की पहली बैठक हुई थी उसमें नीतीश कुमार के आवास पर जब तमाम लाइक माइंडेड पार्टीज एक जुट हुई थी, उस दौरान कांग्रेस पार्टी की ओर से ये कहा गया था कि जब मॉनसून सत्र शुरू होगा उससे तकरीबन 15 दिन पहले वो अपना स्टैंड क्लियर कर देंगे अध्यादेश के मसले पर सार्वजनिक तौर पर। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। 20 जुलाई से मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है और अभी तक कांग्रेस पार्टी ने औपचारिक तौर पर सार्वजनिक मंच पर ये नहीं बताया है कि वो जो केंद्र सरकार दिल्ली में अध्यादेश लेकर आई है उस पर वो किसके साथ है। क्या राज्यसभा में जब केंद्र सरकार इस बिल को पेश करेगी तो कांग्रेस पार्टी इसके विरोध में खड़ी होगी या इसके समर्थन में खड़ी होगी? अब क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से इनवाइट भेजा गया है तो फिर जवाब आम आदमी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को भेजा गया है और ये कहा गया है कि आप पहले अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए अध्यादेश के मसले पर। तो देखिए, अब दो दो सस्पेंस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक पहला सस्पेंस जो कांग्रेस की तरफ से है वो ये कि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक औपचारिक तौर पर सार्वजनिक मंच पर ये साफ नहीं किया है कि वो अध्यादेश के खिलाफ है या समर्थन में है, उनका स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ अब आम आदमी पार्टी ने ये साफ कह दिया है कि कांग्रेस जब तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं करती है तब तक वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है और निर्णय जो आखिरी होगा वो आने वाले समय में तय होगा। 17 और 18 जुलाई को जो दूसरी विपक्ष की बैठक है वो बैंगलोर में आयोजित की जाएगी और तमाम राजनीतिक दलों को जो पटना में नजर आए थे उन्हें बुलाया गया है और आम आदमी पार्टी को भी बुलाया गया है। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी शामिल होगी नहीं होगी इसके लिए तो अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी तक आम आदमी पार्टी ने इस पर अपना फाइनल डिसीजन नहीं लिया है। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।